Vastu is the ancient Indian science of architecture, the art of placement, the art of energy flow. My wife first contacted Rewar Kumar for our home, and seeing the results in my home, I thought it would be appropriate to have her come in and take a look at my business to see if I can take my business to the next level. She came in, she had me make some changes in my office, and I saw profound effects from that. I saw the energy flow and comfort zone of my office greatly increase. I saw that my clients were coming in and being very comfortable as I worked with them. Rewa and Vastu have greatly improved my family and business life. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. सभी दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत प्यार. आप सभी का स्वागत रेडियो जिंदगी लाइव पर, जो शो हम आपके लिए लेकर आते हैं. और आज सौभाग्य के 2021 का पहला शो रेवा कुमार जी के साथ. रेवा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत. सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नए साल की, हार्दिक शुभकामनाएं. और बहुत अच्छा लग रहा है कि इस साल का पहला जो शो है वो मेरा सौभाग्य कि आपके साथ बैठ के बातचीत कर पाऊं. कैसी हैं आप? नमस्कार हरी जी, और हमारे रेडियो जिंदगी के सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार. जी हाँ हरी जी, आपको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं. और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि पहला शो मैं आपके साथ कर रही हूँ. संजीव को भी बहुत मिस कर रही हूँ, गॉड ब्लेस हिम. लेकिन ये भी जानती हूँ कि आप हमारे साथ मजाक जुड़े हैं, तो जरूर हमारे व्यूअर्स लिसनर्स हमेशा की तरह आज भी शो को बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे. एब्सोल्युटली रेवा जी, आपसे जब बात हुई तो आपने कहा कि जो नया साल का पहला शो है वो हम बात करेंगे कि अपने घर को, अपने बिजनेस को सुपरचार्ज कैसे करें वास्तु से. मगर उससे पहले, ये जो टॉपिक है उससे पहले जब हम शुरुआत करें पिछले साल, जैसा कि हम बात कर रहे थे कुछ चंद मिनट पहले, कि पिछले साल आपने कुछ जो है रेमेडीज बताई थी, तो वो रेमेडीज कंटिन्यू करनी है या वो सिर्फ वन टाइम थी, या उसको इस साल भी कंटिन्यू करना है, फिर हम आज के टॉपिक पे आएंगे. प्लीज अगर आपकी मेहरबानी हो तो बताइए उसके बारे में. जी हाँ हैरी जी, जो मैंने लास्ट ईयर नए साल के लिए रेमेडी आपसे करी थी, दैट वाज़ द 31st दिसंबर को, एंड वी डिस्कस्ड हाउ टू एनहांस आवर न्यू ईयर टू गेट पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव एनर्जी इन आवर लाइफ. वो रेमेडी बस एक ही बार होती है, उसको हम दोबारा रिपीट नहीं कर सकते. लेकिन ये जरूर है कि पूरा साल है 2021 में, हमेशा मैं हमेशा की तरह जैसे देती हूँ आपको, चाहे आपसे रिलेशन से जुड़ा हो, मनी से जुड़ा हो, करियर से जुड़ा हो, प्रॉस्पेरिटी से जुड़ा हो, इन सब से जुड़ी आपको टिप्स और रेमेडीज जरूर देंगे. लेकिन जो हमने आपको पहले रेमेडी दी है 31st दिसंबर को, दिस इज फॉर होल ईयर, यू डोंट हैव टू रिपीट इट. अच्छा, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कि इस साल 2021 को सुपरचार्ज कैसे करें हमारे घर को, हमारे बिजनेस को, जहां हम काम करते हैं, तो उसके बारे में प्लीज बताइए कैसे करें. बिल्कुल, ऑफकोर्स देखिए, अभी तक तो ये हमारे सारा हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं वास्तु जो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है. माइट बी कि टुडे वी आर गेटिंग अ न्यू व्यूअर्स और लिसनर्स, तो इसको सुपर चार्ज करने से पहले जो हमारा चार्ज किया हुआ है, मैं उसके बारे जरूर अपने व्यूअर्स को, लिसनर्स को, जो हो सकता है नहीं है, उनको भी मैं ये बताना चाहूंगी. क्योंकि वास्तु इज ए ब्लेंड ऑफ 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर विच इज बेस्ड ऑन 10 प्लैनेट्स एंड along with that, which is based on 9 planets and 10 directions, which enhance our 7 chakras, which enhance our energy, which travels from northeast to southwest. So 5 jo elements hain, the whole universe is based on those 5 elements of nature, that is air, water, earth, fire and space. और जो 9 planets होते हैं हरी, वो हमारे zodiac sign के साथ में जुड़े हुए होते हैं 9 planets. Along with that, 10 directions. 10 directions कौन सी हैं? जैसे कि north, south, east, west. अब north और east के बीच में जब subdivision आता है, तो वो हमारा बन जाता है northeast. South और east में आता है, it becomes southeast. South to west, it becomes southwest. और west से north में जाते हैं, तो वो northwest.
और जो नाइन्थ हमारा आता है दैट इज हमारा सेंटर ब्रह्म स्थान बोलते हैं, और जो टेंथ आती है वो हमारी आती है स्पेस। तो ये सब 10 डायरेक्शंस हैं, और 7.7 चक्रस जो होते हैं जो एनर्जी ट्रेवल करती है वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट को ट्रेवल करती है। जैसे हमारी बॉडी है, हम अपने आप को फिट करने के लिए योगा करते हैं, और कई बार आप करते हैं कि अपने ऑरा को चेंज करने के लिए, अपने बॉडी के चक्रस को एनहांस करने के लिए, जो हमारे हेड टू बॉटम जो हमारे 7.7 चक्रास है उनको एनहांस करते हैं। उसी तरह से वास्तु का भी, हमारी ड्वेलिंग का भी, हमारे घर का भी, हमारे ऑफिस का भी हेरिजी 7 चक्रास है, और वो 7 चक्रास आते हैं नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। जब वो हमारे 7 पॉइंट्स जो बिल्कुल नीट और क्लीन होंगे, क्लटर फ्री होंगे, जहां पे जैसे कि कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में जो मेन पॉइंट्स हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, वहां बाथरूम नहीं होगा, किचन अगर नहीं होगा, सेंटर में जब आते हैं तो वहां स्टेयर्स नहीं होनी चाहिए, या स्टेयर्स नहीं बाथरूम नहीं, या स्टेयर्स के नीचे बाथरूम नहीं होना चाहिए, ताकि वो 7 पॉइंट्स को डिप्रेस ना करें। तो उनको इनहेंस हम करते हैं 7 चक्रास को, जिससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। अब जो 7 चक्रास हैं, इसी एनर्जी को आपको कैसे सुपर चार्ज करना है टू गेट मोर पॉजिटिव रिजल्ट्स। ऑलवेज रिमेंबर्स व्यूअर्स दैट वास्तु इज ए साइंस, एंड इट ऑलवेज इफ देयर इज अ बिटर इट मेक्स लेस बिटर, इफ इट इज स्वीट इट मेक्स मोर स्वीटर। कि आपको इसकी कहीं नेगेटिविटी नहीं है, इसकी नेगेटिविटी तब नहीं है जब हम इसको फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे कि ये साइंस है, आहिस्ता आहिस्ता जब हम इसको प्रैक्टिकल इस थ्योरी को, जो हमारे 5000 से भी मोर जब ये वेद में शास्त्रों में ये थ्योरी थी, उस समय उस थ्योरी को पढ़ते पढ़ते उस साइंस को लेकर हम आए, हमने इसको प्रैक्टिकल में लेकर लाइफ में आए, जब प्रैक्टिकल में आए तो हमें पता चला कि हम इस एनर्जी को कैसे बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए कि अगर कहीं पे हमारे किसी डायरेक्शन में कुछ गलत चीज है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में अगर बाथरूम है या किचन है, तो इट इज नॉट पॉसिबल नाउ हैरी टू गेट इट रेनोवेट, कि हम उसको डिमोलिश कर दें, ये कर दें। हाँ, उसकी नेगेटिविटी को हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं विदाउट डूइंग रेनोवेशन और रीमॉडलिंग, दिस इज स्पेशलिटी ऑफ वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। आप सभी जानते हैं कि आई एम इन दिस फील्ड मोर देन 35-36 ईयर्स नाउ, आई हैव गिवन माई ओन लाइफ। इसमें मेरी यही स्पेशलिटी है कि मैं रेनोवेशन या डिमोलिशन कहीं नहीं एडवाइस करती हूँ, जब तक खुद आप ना चाहें। लेकिन उस एनर्जी को हम कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, उस एनर्जी को हम कैसे सुपर चार्ज कर सकते हैं, कैसे उस पॉजिटिव एनर्जी को हम अपने घर में परमानेंट रख सकते हैं, दैट इज ओनली बेस्ड ऑन वास्तु प्रिंसिपल्स। क्योंकि ये प्रिंसिपल्स, ये कॉन्सेप्ट हैरी जी आज से थाउजेंड ईयर्स भी एग्जिस्ट करता था और आज भी करता है। सिर्फ फर्क इतना है कि वो थ्योरेटिकल था, लोग उस समय फॉलो करते थे, क्योंकि बड़े बड़े घर होते थे पुराने जमाने में, उन लोगों को पता होता था कि बाथरूम बाहर रखना है, या इतनी बड़ी जगह खुली होती थी कि सेंटर रूम का जो था ओपन था। लेकिन आज अगर आप देखें तो आज घरों की जिस तरीके से पोजीशन है, या जैसे बिल्ड कर रहे हैं, या इतनी हमारी की कह सकते हैं कि लाइफ इतनी बिजी है कि जहां हम इस तरह से नहीं रह सकते, लेकिन आज भी उस थ्योरी को जब हमने प्रैक्टिकल में लाइफ में लेकर आए तो हमने उसको देखा कि यस वी कैन ऑल्सो रेक्टिफाई वास्तु डिफेक्ट बाय शिफ्टिंग एनर्जी फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन, जिसके लिए मैं आगे अपने व्यूअर्स लिसनर्स से इसके बारे में जरूर बात करूंगी। रेवा जी, मैं आपसे एक सवाल, माफी चाहूंगा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने जब शुरुआत की, एंड एब्सोल्युटली रेवा कुमार जी इज अथॉरिटी ऑन व्हेन इट कम्स टू वास्तु एंड द नॉलेज ऑफ वास्तु, आपने एक लाइन कही थी कि जैसे वो स्टेयर्स के नीचे बाथरूम नहीं होना चाहिए, या जब घर में क्लटर हो। अब जैसे एक ऑलरेडी व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आ चुका है, भाई साहब ने पूछा है कि घर में बच्चे हैं छोटे तो क्लटर तो है ही है, हर जगह पे खिलौने पड़े हुए हैं, वो अगर उनके बेडरूम में जाओ तो बेडरूम इज मेसी, तो डज दैट कम इन द सेम कैटेगरी, या उसको कैसे यू नो रेक्टिफाई किया जाए? यस, वो सफाई करते हैं मगर हर जगह पे, जैसे जो उन्होंने कहा कि छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके घर में तो क्लटर 7 डेज अ वीक रहता है। हैरी जी, बच्चे हैं, बच्चों का काम है खेलना, टॉयज हैं, मैं उसको क्लटर नहीं कहूंगी। लेकिन क्लटर किसको कहूंगी? अगर वो ब्रोकन टॉयज हैं,
टॉयज टूटे हुए हैं, आप बच्चों को अगर ये देते हैं कि लेट देम प्ले, प्ले करने के बाद में उनका एक कॉर्नर होना चाहिए जहां वो टॉयज को रखें। बेडरूम में है, आप मॉर्निंग में अगर उठते हैं आपको मालूम होना चाहिए कि आपको अपना बेड अरेंज करना है, आपको बेडशीट अरेंज करनी है। लेकिन अगर आप अपने बेड को इतना मेस हो रहा है, पिल्लो कहीं गिरे हुए हैं, वहीं पे आपने शूज उतारे हुए हैं, सॉक्स उतारी हुई हैं, वहीं आपके कपड़े उल्टे सीधे पड़े हैं, तो दैट इज क्लटर, दैट इज अ मेस। सेकेंडली, क्लटर हम किसको बोलते हैं? व्हेन यू ऑलवेज कीप दोस थिंग्स व्हिच आर नॉट लाइव। लाइव किसको कहते हैं? जैसे कि आपके कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, आपके बिल्कुल खराब हो गए, वो वर्किंग पोजिशन में नहीं है, घड़ी है, वॉच है, बिल्कुल खराब है, फिर भी आपको रखनी है क्योंकि 60 इयर्स पहले पापा ने, मम्मी ने मेरे को दी थी, 40 इयर्स पहले मम्मा ने दी थी। आई डू रेस्पेक्ट इमोशन ऑफ यू पीपल, लेकिन आप उस घड़ी को फिक्स करवाइए। आप उस घड़ी को तभी मानेंगे ना कि अगर आप उसको हाथ में पहनेंगे तो, क्योंकि तभी पहनेंगे अगर वो वर्किंग है, और अगर वो वर्किंग पोजिशन में नहीं है तो आपने क्यों रखा है उसको? इट मीन्स दैट इज अ डेट। आप उसकी पिक्चर बना के सेव करके रखिए, लेकिन उस डेड को आप नहीं रख सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि वो बहुत ओल्ड फैशन की है लेकिन पापा की दी है, तो अगर आप नहीं पहना चाहते तो वो ओल्ड फैशन की आप किसी को गिफ्ट अपने फैमिली में दे सकते हैं जो और पहन सके, या अपने बच्चों को बता सकते हैं कि आप इसको पहनिए। अगर आप नहीं पहन रहे तो वो क्लटर है। आपके घर में फेस्टिवल का टाइम है, बहुत गिफ्ट्स आती हैं, लेकिन आप इतने इतने बड़े बॉक्सेस हैं जो एम्प्टी बॉक्सेस हैं, तो वो ज्यादा क्लटर। कहने का ये मतलब है कि आप अपनी एक सोच रखते हैं, अपनी पावर रखते हैं कि आप अंबानी के लेवल पे जाना चाहें, आप टाटा बिरला के लेवल पे जाएं, आप बिल क्लिंटन के लेवल पे जाएं, तो दैट्स वेरी गुड, होना चाहिए। जब तक आप अपनी लाइफ में ड्रीम नहीं रखेंगे आप सक्सेस नहीं होंगे। पर उसके साथ ये भी तो सोचिए कि क्या वो क्लटर रखते हैं अपने घर में? क्या वो जो फाइनली एम्प्टी बॉक्सेस हैं क्या वो भी स्टोर करके रखते हैं? वो सब नेगेटिविटी है, वो आपको ग्रो नहीं करने देंगे, वो आपकी मेंटल जो थॉट है, मेंटालिटी, वो आपकी इतनी ही रहेगी। सोच तो आप एक हाई लेवल पे जा रहे हैं, लेकिन आप उसके साथ में एक बना के रखते हैं। ठीक है, आपने एक बॉक्स रख लिया, दो बॉक्स रख लिया कि आपको कहीं रीयूज करना पड़ सकता है, और अगर आप रखना भी चाहते हैं तो लेट देम इसको प्रॉपर उसको फोल्ड करके रखिए, लेकिन उनको एक सामने नहीं रखिए, एक क्लटर की तरह आप उसको मत यूज करिए। वो आपको एक हमेशा नेगेटिविटी थॉट्स देंगे। अगर आप बच्चों को भी देखिए कि आप कभी भी देखेंगे कि अगर आप अपने पेरेंट्स की लाइफ को भी देखें कि जब पहले जमाने में क्या होता था हैरी जी, कि बच्चे स्कूल में जाते थे तो जब बुक्स उनकी होती थी तो आप देखा कि कवर चढ़ता था, सब कुछ होता था कि हम न्यू क्लास में जा रहे हैं तो वी वॉन्ट द न्यू थिंग्स, हमारे को न्यू शूज चाहिए, हमारे को न्यू ड्रेस चाहिए। वाई? बिकॉज टू गेट पॉजिटिव एनर्जी। तो उस समय भी अगर वो बच्चों की पुरानी बुक्स भी अपने दूसरे बच्चों को देते थे तो उसको भी तभी वो बुक्स देते थे जो बिल्कुल सही होती थी। फटी हुई किताबें नहीं देते थे, फटी हुई बुक्स नहीं देते थे, कोई फटे हुए कपड़े अपने दूसरे बच्चों को नहीं देते थे। आप ये जानिए कि क्लटर ही आपकी लाइफ का है जो आपको कभी भी पॉजिटिव थॉट्स नहीं देगा, वो आपके ब्रेन के साथ जुड़ी है। तो अगर आप अपने बेडरूम में मेस देख रहे हैं, गंदा देख रहे हैं, और सुबह सब मेस छोड़ के आप अपने काम पे चले गए, शाम को जब आएंगे थके हुए आए हैं, लेकिन जैसे ही अपने बेडरूम में क्लटर देखेंगे तो आपको गुस्सा आएगा ही आएगा, गुस्सा आएगा, आपका झगड़ा होगा। सो वी हैव टू डीक्लटर। जब भी हम अपने सराउंडिंग्स में डीक्लटर करेंगे तभी हम अपनी लाइफ के बीच में नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं। याद रखें, ये गलतियां तो मैंने भी की हैं कि जैसा आपने कहा ना कि वो घड़ी बचा के रखी है, यस उसका तो गुनहगार मैं भी हूँ, क्योंकि मुझे घड़ियां जमा करने का शौक है और वो केस भी है तो उसके अंदर कई बंद भी पड़ी हुई है। तो और जैसा कि आपने ये कहा कि बॉक्सेस, और बॉक्सेस का ये होता है कि लाइक वो बच्चे जाने नहीं देते, इसके इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं आपसे आके एक बार दोबारा बात करूंगा, इस टॉपिक पे दोबारा आऊंगा, पर एक क्वेश्चन अलग सा आया है। भाई साहब ने क्वेश्चन भेजा है कि I've got a lot of restructuring in my office, but still keep facing issues. Someone also pointed out the color of my wall are not suiting my business. Can you guide what colors are good for the main office, please? Of course, बिल्कुल, ये भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि बिजनेस, अगर आप पहले ये देखिए कि आपका किस चीज से रिलेटेड बिजनेस है,
दूसरा बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए वी हैव टू फेस द राइट डायरेक्शन एंड दैट वी शुड फेस टुवर्ड्स नॉर्थ बिकॉज नॉर्थ इज रिलेटेड विद मर्करी नॉर्थ इज रिलेटेड विद पॉजिटिव एनर्जी नॉर्थ इज रिलेटेड टू गिव यू मनी तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपके पीछे साउथ पीछे है साउथ के पीछे आपके स्ट्रॉन्ग वॉल है जो आपको मार्स की एनर्जी को जो आपको अर्थ एलिमेंट को ग्रो करती है आपको स्टेबिलिटी देगी नॉर्थ आपको पैसे से रिलेटेड एनर्जी देगी अगर यहीं पे ही जो भी साहब ने हमें ये ईमेल किया या जो भी चैट में क्वेश्चन आया अगर वो वेस्ट की तरफ फेस बैक के काम कर रहे हैं या साउथ की तरफ कर रहे हैं तो वो देखिए वो नेगेटिविटी मिलेगी वो कहीं पे उससे पॉजिटिव मनी को नहीं लेकर आएंगे क्योंकि नॉर्थ को अपनी बैक दिखा रहे हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका नॉर्थ फेसिंग आप बैठे और साउथ की सॉलिड वॉल आपके पीछे होनी चाहिए सेकेंडरी आपको कभी भी अगर आप सीईओ हैं तो आपको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट में बैठना है क्योंकि आपको ग्रो करना है अगर आप नॉर्थ वेस्ट में बैठे हैं तो कहीं पे भी आप स्टेबल नहीं होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर ट्रैवलिंग ऑन अनदर साइड इफ यू आर वर्किंग विद अकाउंट्स के साथ में है तब आप साउथ ईस्ट कॉर्नर में बैठ सकते हैं अगेन यू हैव टू फेस टुवर्ड्स नॉर्थ लेकिन जो आपके ऑफिस का कलर है आप किस डायरेक्शन में बैठे हैं उसके लिए आप हमें ईमेल करिए ऑफिस के कलर में कभी भी रेड कलर ब्लैक कलर आप नहीं दीजिए रेड और ब्लैक हमेशा आपको एक फॉल लेकर आएगा आपकी लाइफ में रेस्टोरेंट में आता है वहां हम रेड कलर जरूर एडवाइस करते हैं लेकिन अगर आपका ऑफिस है वहां रेड और ब्लैक कलर नहीं दीजिए और आपके पीछे कभी भी विंडो नहीं होनी चाहिए So, आपके पीछे जो कलर की जरूरत है वहां पर आप समथिंग रिलेटेड विथ ऑरेंज क्योंकि साउथ की वॉल है मार्स के साथ में रिलेटेड है इट हैज टू बी सम ऑरेंज कलर या अर्थ एलिमेंट कलर को लेके आप बैठे और अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com जहां पे मैं आपके क्वेश्चन का जवाब भी दे सकती हूँ रेवा जी का जो फोन नंबर है वो मैं शो के दौरान और शो के बाद जो है फेसबुक पर भी पोस्ट करूंगा इफ यू वांट टू रीच आउट टू रेवा जी 510-868-3338 रेवा जी एक क्वेश्चन रूपाली जी का आया है न्यू जर्सी से इन्होंने कहा है कि नवंबर में इन्होंने नया घर लिया है शी वॉन्ट्स टू नो वट आर द गुड डेट्स फॉर गृह प्रवेश एंड हाउ टू डू इट देखिए ग्रह प्रवेश के लिए इस समय बहुत ही ऑस्पिशियस डेट है दैट इज 14th of January जिसको हम साल के लिए सबसे बेस्ट मानते हैं मकर संक्रांति उसके लिए बहुत अच्छी डेट मानी गई है फेब्रुवरी में वी आर गेटिंग द बसंत पंचमी मेरी इनसे एडवाइस है कि अगर ये अपने घर को शिफ्ट करना चाहें तो बसंत पंचमी या मकर संक्रांति पे करें लेकिन जब मार्च में होली का टाइम स्टार्ट होगा विच विल स्टार्ट फ्रॉम 12th of March टिल आप कह सकते हैं कि 21st April उस समय में अगर ये अपना घर ना शिफ्ट करे रहे तो बेटर है क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिंदू मिथोलॉजी जो मार्च और अप्रैल का मंथ आता है इट इज रिलेटेड विद द चैत्र मंथ बोलते हैं उसको चैत्र का महीना जो आपको कई बार चिंताएं लेकर आता है पर उसके साथ में गृह प्रवेश कैसे करना चाहिए उसके लिए भी मैंने यही एडवाइस करूंगी कि Let her email it to me because I have to see किस दिन करना चाहते हैं और वो कौन सा फेसिंग घर है क्योंकि वो सही डायरेक्शन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू their zodiac sign too उसी के मुताबिक मैं उन्हें कैसे जरूर बताऊंगी कि गृह प्रवेश के समय वो क्या क्या अपने साथ लेके गृह प्रवेश के साथ जाए लेकिन जनरल अगर हम गृह प्रवेश करते हैं तो उस समय हमारे को हमेशा मिल्क का बॉटल क्योंकि दूध होता है वो आपके घर में बरकत लेकर आता है मिल्क की बॉटल वाटर बॉटल को जरूर लेके जाएं, कोकोनट को जरूर लेके जाएं, राइस को लेके जाएं, सॉल्ट का एक बैग लेके जाएं, शुगर का एक बैग लेके जाएं, गणपति जी की एक स्टेच्यू जरूर लेके साथ पहले जाएं और उसके साथ में झाड़ू ब्रूम जरूर लेके जाएं। ब्रूम भी आपका नया होना चाहिए पुराने घर का ब्रूम नहीं होना चाहिए बट एज ए वास्तु प्रिंसिपल्स Friday is very good or Thursday is also very good at the time of Grah Parvesh अगर आप general dates निकालें otherwise अगर वो चाहें तो किसी भी astrologer या किसी भी वास्तु consultant से मिलके she can get any auspicious date according to their zodiac sign too
or she can reach out to Reva ji 5108683338. Reva ji, ek aur sawal aaya hai. Mrs. Kapoor inka naam hai. She asked me not to take her first name. ये पूछ रही हैं कि पूजा जो कमरा है, जो उन्होंने छोटा सा मंदिर लिया है, she said, वो कहाँ स्थापित करें ताकि वो खड़े होकर वहाँ पे पूजा कर सके. फिलहाल हर पूजा रूम और द स्मॉल मंदिर इज इन द लिविंग रूम adjoining द किचन. इज दैट गुड और शुड शी चेंज द पोजिशन? देखिए, पूजा की जगह की जो सही जगह है रेजी वो है नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट इज रिलेटेड विद जुपिटर प्लैनेट एंड जुपिटर प्लैनेट इज फॉर द ब्लेसिंग्स. सेकेंडरी, आवर अर्थ इज इंक्लाइन टू द नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट से आपको पॉजिटिव एनर्जी ट्रेवल करती है. अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी ऑल्सो, नॉर्थ ईस्ट से अगर आप देखें तो दैट इज इज प्लेस ऑफ शिवा. शिव जी की वो जगह है एंड इट इज रिलेटेड विद वॉटर एलिमेंट टू, क्योंकि उनके सर से गंगा आती है. अगर आप सोचते हैं मिसेस कपूर की पॉसिबल है कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अगर आप भगवान को जगह दे सकते हैं अपने मंदिर के स्थान को, तो आप ईस्ट फेसिंग पूजा कर सकती हैं, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग पूजा कर सकती हैं. आपके पीछे रूम का एंट्रेंस डोर नहीं होना चाहिए. जैसे अगर आप ईस्ट फेस कर रहे हैं तो वेस्ट की वॉल आपके पीछे हो, नॉर्थ ईस्ट फेस कर रही है तो साउथ वेस्ट की वॉल फेस होनी चाहिए. या आप किसी रूम और रूम के भी डायरेक्शन में बना सकती हैं, लेकिन आपको साउथ वेस्ट में कभी भी नहीं बनाना है, ना ही वेस्ट में बनाना है. अगर किचन और बाथरूम दोनों की वॉल आपके पूजा स्थान के एडजॉइनिंग नहीं होना चाहिए. अगर आप सोचते हैं कि आपके घर में जगह नहीं है और आपके पास किचन ही है, किचन में अगर आप पूजा स्थान बनाए तो ईस्ट की तरफ फेस कीजिए, नॉर्थ ईस्ट. लेकिन आर यू श्योर कि आप नॉन वेजिटेरियन का परहेज कर सकती हैं? अगर आप सोचते हैं कि आपके घर पे नॉन वेज नहीं है तो आप किचन के नॉर्थ ईस्ट ईस्ट कॉर्नर में पूजा का स्थान बनाए, लेकिन शाम के समय फिर आपको उस मंदिर के दरवाजे को या उस पे कर्टेन लगा के रखना भी होगा, क्योंकि आपको क्लीनलीनेस भी देनी है वहां पे, आपको एक रेस्पेक्ट भी देनी है. कई बार क्या आप सोचते हैं कि आपके पेरेंट्स आए या आपके कोई बड़े आते हैं, उनको उठा करके हम किचन में तो बेडरूम नहीं लगा सकते, उनका सोने की जगह वहां तो नहीं दे सकते. मैं मानती हूँ कि श्रद्धा सबसे जरूरी है, कि अगर आप भगवान आपके अपने अंदर है, अगर आप कहीं पे भी रोड पे भी खड़े होके 10 मिनट बैठ के आंखें बंद करके उसको याद कर लेंगे तो भी आप भगवान को मना सकते हैं. बहुत अच्छी बात है एंड वी शुड, क्योंकि भगवान 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं, वो हमें देखते हैं. फिर भी आप अगर उनकी एक जगह बनाते हैं, दिया बाती करते हैं, तो उसके लिए नॉर्थ ईस्ट ईस्ट की तरफ फेस कीजिए. और अगर किचन के कॉर्नर में बनाना चाहते हैं तो ये जरूर रखें कि वहां पर उस समय नॉन वेज की जगह साथ में ना हो. रेवा जी, शो की शुरुआत में जब हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि मैं कभी भी किसी को ये एडवाइस पहले नहीं देती कि यू नो जो रिकंस्ट्रक्शन करवाएं या जगह का एंगल चेंज करवाएं, अगर किसी ने कोई दीवार गलत जगह पे है या बाथरूम गलत जगह पे है, तो उस चीज की जो नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिव करने के लिए कोई क्या कर सकता है? ऑफ कोर्स, बिल्कुल. अब यही मैंने हमसे पहले कहा कि जहां हम सोचते हैं कि चेंजेस नहीं हो सकते, डिमोलिश नहीं मैं रेकमेंड करती, तो वहां हम एनर्जी शिफ्ट करते हैं. एनर्जी शिफ्ट कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कलर्स, विद हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स, विद द हेल्प ऑफ डिवाइन टूल्स, टू शिफ्ट दैट एनर्जी फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन, जिनको मैं खुद कस्टमाइज करती हूँ, खुद मैं उन्हें बनाती हूँ अकॉर्डिंग टू डिग्री. अब आप देख लीजिए कि अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, जो कि हम मना करते हैं अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स नहीं होना चाहिए, और वहां पे टॉयलेट, उसकी टॉयलेट की जगह हमें या तो हम उसको नॉर्थ वेस्ट में शिफ्ट करें या हम उसको शिफ्ट करें साउथ की तरफ, तो आपको क्या करेंगे? वी ऑलवेज गो फॉर डिवाइन टूल्स, दैट इज अ पिरामिडोलॉजी. उसके द्वारा हम उस प्रोडक्ट को वहां पे लगा के उसकी एनर्जी को शिफ्ट करके दूसरे डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं, ताकि उस रूम की नेगेटिविटी, उस जगह की नेगेटिविटी नहीं मिले. सो वी ऑलवेज टेक लॉट्स ऑफ हेल्प फ्रॉम द ऑल डिवाइन टूल्स, जिनको डिग्री के मुताबिक में कि कितनी डिग्री से कितनी डिग्री पर उसको ट्रांसफर करना है, उसी के मुताबिक मैं उन्हें खुद बनाती हूँ और हम उनको क्लाइंट्स के यहाँ पे जाके उनको लगाते हैं, जिससे उनको परमानेंट पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं. एक आखिरी सवाल उसके बाद जो आपकी एंड ऑफ द शो जो आप टिप ऑफ द डे देते हैं वो भी मैं चाहूंगा सुनना, मगर एक उससे पहले एक आखिरी सवाल है कि किसी ने सवाल भेजा, आवर किचन इज इन द ईस्ट बट वी हैव अ ग्लास शोकेस ऑपोजिट व्हिच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, व्हाट कैन वी डू?
देखिए, अगर आपका किचन ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट नहीं होना चाहिए, ईस्ट में हो जाए, साउथ ईस्ट में हो जाए, दैट इज द बेस्ट। सो व्हाइल कुकिंग वी शुड फेस टुवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि जो सनलाइट की एनर्जी हमारे को ईस्ट से आती है, ये हमारे को ड्राइविंग फोर्स देती है। अब अगर आप सुनते हैं कि आपके बीच में बिल्कुल ग्लास का शोकेस है जो आपकी बैक साइड पे है, तो नेचुरली वेस्ट की जो आपको एक रिफ्लेक्शन आ रहा है, मिरर रिफ्लेक्शन, वो आपको नेगेटिविटी दे रहा है। तो आप उसको दो तरह से कर सकती हैं, या तो उसके अंदर में आप कोई पेपर लगा लीजिए ताकि आप ग्लास की जो रिफ्लेक्शन आ रही है उसकी नेगेटिविटी को खत्म कर सकें। अगर आप सोचते हैं नहीं आपकी से ब्यूटी खराब होगी या आपका डेकोर अच्छा नहीं रहेगा, तो आप उसके अंदर बैम्बू शूट के प्लांट्स मिलते हैं, जिसको हम 3-3 शूट का बैम्बू शूट प्लांट्स कहते हैं, आप वहां पड़ोसी के अंदर में बैम्बू शूट का प्लांट रख दीजिए, छोटे छोटे प्लांट्स रख दीजिए, यू कैन टाई इट विथ रेड रिबन, पुट अ कॉपर पैनी इन दैट एंड लेट इट बी इन दैट शोकेस, ताकि जो वहां की रिफ्लेक्शन की वेस्ट की एनर्जी आ रही है, नेगेटिविटी आ रही है, उसको हम खत्म कर सके। रेवा जी, वी आर एट द एंड ऑफ द शो, और जैसा कि कस्टम है हमारे शो का कि आप जो है टिप देती हैं कि किस तरह से जीवन जिया जाए, किस तरह से नेगेटिविटी से दूर रहा जाए, वास्तु को कैसे फॉलो करें, तो आज की वो टिप क्या है, प्लीज बताएं। बिल्कुल, मैं शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि आप देखा चाहे तो ऑलरेडी सबसे पहले तो अपने फियर को बिल्कुल निकाल दीजिए, बाय बाय कर दीजिएगा जो भी हमने 2020 में सफर किया, वेलकम कीजिए जो हमारे को 21 में मिलना शुरू हो गया है, और बहुत ही अच्छा आएगा अगर आप सोचेंगे, बट यू हैव टू लिव इन प्रेजेंट, ऑलवेज कीप योर सेल्फ इन प्रेजेंट, नेवर थिंक एनीथिंग अबाउट द पास्ट, बिकॉज यू कैन नॉट चेंज your past, but you will definitely ruin your present by worrying about the future. आज के लाइफ के बीच में जीती है जी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, डेली इन मॉर्निंग, सुबह के समय जब भी उठे, एक बार बाहर जाइए आसमान के नीचे, जस्ट वॉच द स्काई, कि वो आसमान कितना बड़ा है, कितना खुला है, एंड यू हैव टू स्प्रेड योर बोथ आर्म्स एज मच एज यू कैन स्प्रेड योर बोथ आर्म्स. Spread your both arms and look at the sky and say, thank God that you are the best. He has given you this beautiful morning. You are doing very good. You are getting everything. You are getting blessing from your forefathers. Aap unki blessings le rahe hain. Aap achha grow kar rahe hain. Be positive. आप डेली मॉर्निंग में होकर अगर आप अपनी लाइफ का एक रेजोल्यूशन बनाते हैं कि सुबह उठते ही आपने ब्रश किया है, नहीं किया, नो प्रॉब्लम, शावर लिया है, नहीं लिया, लेकिन जाइए आसमान की तरफ देखिए और फिर आप उस एनर्जी को फील करिए, आंखें बंद करिए, अपनी दोनों बाजू को जितना फैला सकते हैं फैलाइए, एंड देन ट्राई टू ग्रैब ऑल गुड अपॉर्चुनिटीज, ट्राई टू ग्रैब ऑल हैप्पीनेस, जस्ट स्प्रेड योर आर्म्स एंड ग्रैब इट, दैट एवरीथिंग इज कमिंग टू यू एंड यू आर द लकीस्ट ऑन दिस अर्थ, एंड देन सी हाउ पॉजिटिव वाइब्स, हाउ पॉजिटिव एनर्जी कम्स इन आवर बॉडी, क्योंकि आपकी बॉडी की एनर्जी ही आपकी ड्वेलिंग के साथ है और ड्वेलिंग की एनर्जी आपकी बॉडी के साथ है, इन दोनों को जब बैलेंस करेंगे, बराबर लेकर आएंगे, तो आप जिंदगी में कभी भी हार नहीं सकते, आपके हाथ में है खुद अपनी सक्सेस। सो जाते जाते इतना ही कहूंगी कि खुद को इतना कर ए बुलंद है बंदे, कि एक रोज खुदा तुझसे पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बहुत खूब, बहुत खूब, लेडीज जेंटलमैन, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर शो, एंड रेवा जी बहुत बहुत अच्छा लगा कि साल का पहला शो मैं आपके साथ कर पाया। यस, मिसिंग संजीव एज वेल, बट एज वी नो ही इज अ लिटिल बिजी विद हिज फैमिली, ही विल बी बैक, एंड थैंक यू सो मच लेडीज जेंटलमैन। यू कैन रीच रेवा जी एट 5108683338, ऑल्सो द वेबसाइट इज worldofdivinevastu.com। रेवा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्र गुजार हूँ मैं कि आपसे चंद लम्हात में आपसे बात कर पाया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। थैंक यू हरे, थैंक यू लिसनर्स, थैंक यू विस्नर्स, जय माता दी, जय माता दी। Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life, stability into your relationships, prosperity into your business, and peace into your home. Balance the five elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra.